बिहार की राजधानी पटना में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम पूरे सूबे में एक अलग सा माहौल बना दिया है, जिसकी सबसे अधिक गूंज राजनीतिक गलियारों में हो रही है। धर्म की आड़ में राजनीति करने वाले राजनेताओं ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम तय होने से पहले का माहौल राजधानी पटना में बनाया। अब उसका असर सूबे के गांव में भी देखा जा रहा है। चाहे बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बार बार ये कहें कि उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक माहौल बिहार में बना है उसका आगामी क्या असर होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन सियासी गलियारों में बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का नाम खूब गूंज रहा है। पक्ष या विपक्ष, सबकी अपनी सोच है। कोई दल बाबा के पक्ष में बयान दे रहा है तो किसी दल के नेता इसके विरोध में जमकर प्रचार कर अपनी राजनीति को चमकाने में जुटे हैं। ऐसे में ही एक नाम मधुबनी जिले के फुलपरास से आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव का है, जो आजकल कहीं भी जाते हैं तो बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर कटाक्ष करने से नहीं चूक रहे हैं। आज फुलपरास विधानसभा के मधेपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने क्या सब कहा, आइए जानते हैं। धर्म का प्रचार करें कोई आपत्ति नहीं, पूरी आजादी है अपने धर्म का प्रचार करने की। लेकिन बागेश्वर बाबा संविधान गैर संवैधानिक बात करेंगे जो हम लोग को आपत्ति है। इसलिए आपत्ति है, संविधान के तहत देश चलता है। संविधान के तहत बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो संविधान है उसके तहत देश चलेगा। धर्म का मामला है तो देश में हमारा सनातन धर्म, जिस धर्म का बहुत प्रचार ही करते हैं, सनातन धर्म का, सनातन धर्म है सर्व धर्म संभव, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। और वसुधैव कुटुंबम, ये सनातन धर्म का मूल सिद्धांत वसुल है। तो जब वसुधैव कुटुंबम है तो जो भाईचारा है, जो ये नफरत फैलाना कि हम फला कम्युनिटी का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, राष्ट्र की बात बाबा जब आप धर्म पर बोल रहे हैं, हनुमान कथा कहने आए हैं, राम कथा, तो राम के विषय में गाथा करिए, हनुमान के विषय में बोलिए। लेकिन आप देश में राष्ट्र क्या बनेगा, आप लोकतांत्रिक देश है यह, धर्मनिरपेक्ष देश है यह, देश समाजवादी राष्ट्र है। 1971 में ही संविधान में संशोधन हुआ था कि ये देश जो होगा, उससे पहले भी देश बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है यह देश डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, यह देश लोकतांत्रिक है, हर धर्म अवलंबी इस देश में रह सकते हैं, सबके लिए आदर है।